अली खान साहब यहाँ आ गए हैं। वैसे अली खान साहब आपकी लैंग्वेज में मुझे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन है दैट यू नो आप मुझे किसी अच्छे बैकग्राउंड या अच्छे एजुकेटेड घर से या कोई संस्कारी एजुकेशन भी छोड़िए संस्कारी घर से लगते नहीं है जिस तरीके से आप लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं। तो भाई अगर आपसे कोई तरीके से बात कर रहा है आपकी ऐसी लैंग्वेज पढ़ने पे भी तो आप समझ लीजिए आप में और हम में कितना ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। तो भाई आपका एक मैसेज है जिसमें कोई गाली या कोई इंसल्ट नहीं है वो मैं हाईलाइट कर लेती हूँ। थर्ड क्लास ग्राउंड है इंडिया के। तो भाई इससे तो ये पता चल रहा है कि पहली बात तो आप पाकिस्तानी हैं, ठीक है। दूसरी बात इंडिया का थर्ड क्लास ग्राउंड है। अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच कैंसिल हो गया, एक भी बॉल गोल नहीं हुई है। मैंने आज तक ऐसा कोई ऐसा मैच नहीं देखा चार दिन में एक भी बॉल गोल नहीं हुई है, मैच इज कैंसिल, ठीक है। शायद आपको जो आप इतने अनपढ़ गवार लोग हैं आपको शायद ये पता नहीं होगा मिस्टर अली खान जी दैट ये जो ग्राउंड है इट इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय ACB जो अफगानिस्तान की क्रिकेट बोर्ड है उसने ये लीज पे लिया हुआ है काफी टाइम से ये ग्राउंड, और ये ग्राउंड जो है BCCI के अंदर आता नहीं है, ठीक है। और इस ग्राउंड की मेंटेनेंस और सारा कुछ फैसिलिटीज ACB अपने चार्ज पे लगता है। एंड जो है ACB अफगानिस्तान को कानपुर एंड बैंगलोर ऑफर किया गया था लेकिन बिकॉज लॉजिस्टिकली उनको ज्यादा कन्वीनियंट था उन्होंने अपना ये नोएडा का ग्राउंड चूज किया एंड उसको मेंटेन करके रखा नहीं। इट्स नॉट अ BCCI ग्राउंड, इट्स जस्ट अ नॉर्मल कोई एसोसिएशन का वो ग्राउंड है जो उन्होंने लीज पे लिया हो गया जो इनका पहले बहुत सालों से होम ग्राउंड है। तो भाई इसमें BCCI का क्या कर सकती है अगर कोई दूसरी बोर्ड आके यू नो ये तो वही बात हो गई कि कोई बंदा मेरे घर पे आएगा और वो ये बोलेगा कि भाई आपका फर्नीचर अच्छा नहीं है, आपका TV अच्छा नहीं है, आपका प्रोजेक्टर अच्छा नहीं है, आपका AC अच्छा नहीं है, मतलब मेरे घर में आके मेरी फैसिलिटीज ले रहा है और मेरे घर को उल्टा पुल्टा कर रहा है। तो भाई कुछ ऐसी सी बात है बट इसमें मैं आपको बता रही हूँ आप अनपढ़ है इसके लिए आपको बता रही हूँ कि इसमें BCCI का कोई लेना देना है नहीं। सुन भाई देसी भाषा में बता दू तुझे तना वैसे तो कुछ समझ में ना आवे ना क्योंकि तू है पाकिस्तान है ना पाक जमीन पे पला बड़ा है संस्कार कहां से आएंगे घंटे भर के आएंगे तेरे मुंह में ना ये यहां से डाल करके यहां तक फंसा करके फिर निकालना पड़ेगा। पहली बात मैं तुझे तेरे तरीके से समझा देता हूं पाकिस्तान की जमीन पे कोई पाकिस्तान वाला बंदा बॉम्ब ब्लास्ट करता है तो तुम किसको ब्लेम दोगे हिंदुस्तान को क्या भाई पाकिस्तान को ही दोगे ना। अब यहां आ जाते हिंदुस्तान के थर्ड क्लास ग्राउंड की बात करते हैं BCCI ने उनको देखो दरिया दिल देखो हिंदुस्तानियों का ग्राउंड अफगानिस्तान का लीज पे उन्होंने लिया हुआ मेंटेनेंस करने की काबिलियत उनकी खुद की थी टीम उनकी खुद की थी पैसा उनका खुद का था। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली का नजदीक पड़ता ग्रेटर नोएडा के तो उनका जो खर्चा था उनको बचाने के लिए उन्होंने नजदीक रखा हुआ था कि यही खेलेंगे। कुदरत की मार वेदर यहाँ पे बारिश लगातार हर दिन हो रही है हर दिन इसमें ग्राउंड को भी कोई गलती नहीं है। मैं कहूँ कोई ग्राउंड की गलती नहीं है अफगानिस्तान की गलती मैं बताऊंगा कहाँ है। इंडिया ने तो फिर भी बड़ापन दिखाया कि तुम्हारी लीज यहाँ की है फिर भी हम तुम्हें दो ग्राउंड अलग ऑफर कर रहे ताकि तुम्हारा मैच हो जाए। एक न्यूजीलैंड आई है उन मेहमान है हमारी भी मेहमान है तुम्हारी भी मेहमान है तुम्हारे मैचेस हो जाए अच्छा मजा आ जाए लेकिन अफगानिस्तान टस से मस नहीं हुई क्योंकि वो खर्चा उठाना नहीं चाहती थी या नहीं सकती थी दोनों ही चीज है। हैसियत तो भाई तुम्हारी तो बिल्कुल ही खत्म है। तो अब इस पूरे सिनारियो में हिंदुस्तान तो यहां था यही है अपर क्लास ग्राउंड है सबसे ज्यादा ग्राउंड है इंडिया में ही नहीं मतलब एशिया में ही नहीं वर्ल्ड में सबसे बड़ा ग्राउंड हमारे पास है सबसे ज्यादा ग्राउंड हमारे पास है बेस्ट ग्राउंड हमारे पास है ज्यादा टूर्नामेंट हमारे पास होते हम छीनते नहीं है जैसे को होस्ट नहीं बनते हमारे इधर मतलब लाले नहीं पड़ते कि हमारी चैंपियंस ट्रॉफी भी खतरे में आ गई एशिया कप भी खतरे में आ गया भाई चल आ जाओ गरीबों की तरफ भूख नहीं मांगते तुम्हारी तरह हमारा हिंदुस्तान सबसे ज्यादा पैसा छापता है हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट के बलबूते पे समझ लो ये हैसियत है जो मैं रूबरू करा रहा हूं तुझे नहीं पता था अब तेरी गलती भी नहीं है कि तुम्हारे यहां बिजली तो होती नहीं है देखोगे क्या घंटा घंटे पे जो किंग बैठ रहा है तो उसको देखते रहते हो और उसके हिलते हुए देखते देखते तुम्हारी नजरें कमजोर हो गई है भाई चल और वैसे यहाँ बोलने क्या आ गया आज तुम्हारी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है ना वो रिजवान की टीम जो है 300-350 मार गई है दूसरी टीम शायद आपकी आई थिंक 50-6 या कुछ हो गई थी तो यार अपनी वो चैंपियंस कप वगैरह वो देखो उसी में तुम लोग खुश रहो। तो भाई यहाँ आके नौटंकी करने की जरूरत नहीं है और थर्ड क्लास पे आ जाता हूँ भाई थर्ड क्लास
तुम्हारी पिस्टेज थी, बांग्लादेश तुम्हारे जमीन पे आके ऐसे फंसा के चला गया है, दर्द तो बहुत हुआ होगा, उस दर्द की दवा कहाँ मिलेगी तुम्हें? तुम्हारे हिंदुस्तानी चैनल पे थोड़ी सी खुश बढ़ास निकालने के लिए कि तुम्हें मौका मिल गया, लेकिन तुम्हें ज्ञान था नहीं, पिल गए यहाँ पे भी। जैसे पाकिस्तान थर्ड क्लास पिचेस गया ग्राउंड क्या होते हैं, जहां पे फट्टा विकेट और वहां पे रन धड़ाधड़ बने, विकेट ही ना निकले, लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश वहां पे रिजल्ट निकाल गई। ये था तुम्हारा पाकिस्तान का थर्ड क्लास ग्राउंड, जिसको डीमेरिट पॉइंट लगातार मिल रहे हैं। अगर पता हो तो हमारे यहां ऐसा नहीं होता है भाई चांद, जाके अपने घंटे के भाई चांद से भी पूछ लेना एक बार कि हिंदुस्तान में क्या क्या जन्नत दिखाई थी, क्या बोलते हैं उसको, चार्टर प्लेन। सुना नहीं होगा तुझे, मैं बताता हूं चार्टर प्लेन क्या होता है। स्पेशली एक बंदे के लिए पूरा प्लेन भेज दिया जाए कि भाई तो जाओ तुम इसमें बैठ के, तुम्हारे पाकिस्तान के नल्ले निठल्ले बाबर गोबर आजम खान घंटे के प्लास्टिक किंग को उसको वहां से लेके गए थे फ्लाइट, समझो। हिंदुस्तान की बात मत करो थर्ड क्लास, फर्स्ट क्लास, अपर क्लास था, है और रहेगा। जी बिल्कुल, तो केपी साहब जो है वो इंडियन है,